रेड़ उधर ही होती है। अच्छा इधर रेड़ है। हम ऊपर वाले हैं ना, लंबे वाले हैं क्योंकि इस तरह रास्ता। अच्छा हम ऊंचाई पे बैठे हैं, इधर जो है ना फिर रास्ता नीचे होता है, इसलिए हम इधर से रिड़ते आते हैं। हमने आपकी रूटीन का नाश्ता बनाया, इसलिए सीरियसली बहुत अच्छा किया। हमें पता था कि ठंडा नाश्ता करता बिल्कुल। अभी एक दुख है हमें, हमारी दावत खाते हैं। ये पता क्या हकीकत है, हम दावत खा के जा रहे हैं, पहली दफा है हमारे घर। इधर आप अभी आए हैं ना? हाँ, पहले तो और जगह पे थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, खुलू के रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर वाले भी सब ठीक है। जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो भी औलाद अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद दे। तो माशा से सुबह का अगर जो हो चुका है, तो हम भी न्यू ब्लॉग में हाजिर हो चुके हैं। तो अभी जना अचानक से जना हमारे आ गए मेहमान, तो उन्होंने जना हमें सरप्राइज दे दी है। तो चल के मिलवाते हैं कि उनसे सरप्राइज है, और हमारे जना खास मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ भाई क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अक्षा बेटा ठीक है? अक्षा अक्षा तो खजूरें खा रही है। सबसे मिलना है ना, क्या हाल है आप? ठीक है बच्चे? ठीक है आपका? शुक्र है। सिस्टर जी क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक है तबीयत? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए ठीक हो तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। शादी खा ली? हाँ शादी तो खा ली हमने। कल हम इधर आए तो ये गेट बंद था। अच्छा, तो फिर भाई अफजल ने बताया कि वो इधर नहीं है। अच्छा, हम परेशान हो गए, हमने कहा देखे चले, हमने कहा नसीब में होगा तो भाई भी आ जाएंगे। बताए हम वहाँ आपके इंतजार कर रहे थे। अच्छा। हमने कहा शादी पर आए हुए हैं, वैसे आप तो वहीं से आए मुंशी के घर। जी जी मुंशी, तो हमने वहाँ कहा कि आप आएंगे हमारे घर पुराने वाले। बस हम जल्दी में थे, इसी वजह से हम चले आए। अच्छा, हाँ अहमद भी हमारे इंतजार बैठा था, और इसी वजह से फिर हम चले। शुक्र है यहाँ तो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हो? अभी ठीक है। हाँ ठीक हो? तबीयत ठीक है? खुश हो रही है? माशा वालेकुम सलाम। अभी सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करे नहीं रानी? हर चीज को कहती है आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, परिंदा कोई बैठा होगा ना नहीं, जब कह रही होती है आ जाओ, आ जाओ। बाबा को कह रही थी आ जाओ, जब बाबा गया तो एक थप्पड़ लगा दिया। आप भी कह रहे बाबा उठा नहीं, जब हम आए थे उस दिन बहुत छोटी थी। हाँ जी बिल्कुल, इसे समझ भी नहीं थी। आप माशाल्लाह ये बड़ी हो गई है। हाँ जी, समझदार हो गई है। हाँ जी, तो अब जो है ना वो हमारा चैनल भी इसी के नाम पे है, शिजा विलेज फैमिली। अच्छा जी, हाँ जी, इसी के चले नाम। हमारे जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, हाँ आपके चैनल का विजिट करेंगे। हाँ जी, आपके जो देखने वाले हमारे बहन भाई हैं उनसे है रिक्वेस्ट के अगर अगर दिल कर जाए तो विजिट कर लेना। हाँ जी, हमारा भी चैनल है भाई, आपने बताया चैनल है ना हमारा? आप खुद बता दे। अल्ताफ विलेज अल्ताफ फैमिली व्लॉग, ये दो चैनल हमने बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ लेकिन चैनल जो है ना हमारे बिल्कुल खत्म हो गए, व्यूज नहीं आ रहे। कभी कभी व्यूज आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। अच्छा, पता नहीं क्या मसला है। वो YouTube का मसला होता है। मेरे तो मेरा चैनल न्यू है। अच्छा। अभी मैंने बनाया है, मोनेटाइज भी नहीं है। मेरे टोटल जो है ना सब्सक्राइबर अभी हुए हैं 578 है मेरे। अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह बहन भाई जरूर जाएंगे, विजिट करेंगे आपके चैनल के। हाँ, जितने प्यार मोहब्बत भाई और भाभी को देते इतनी हमें भी दे दिया करें प्यारे भाई। इंशाल्लाह। और अम्मी क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह, चलो अच्छा किया आप भी साथ आ गए। यहाँ पे नाश्ते के लिए मेहमानों के लिए कुछ बना रही है, माशाल्लाह चेक करें जी, लस्सी वो भी क्या बात है, मक्खन तो अभी ऊपर आ रहा है। हाँ सारा और पहले पहले हमने मेहमानों के लिए नेस्ले के जूस मंगा लिए थे। सुबह सुबह हमने वीडियो नहीं बनाए क्योंकि हमारा दिल नहीं करता कि मेहमानों को जो है कुछ खिलाने पिलाने के टाइम जो है वो भी कैमरा उठा लें। हाँ। तो हमने ऐसे ही पिला दी थी, और अभी मेहमानों के लिए हमने कहा नाश्ता वगैरह बना रहे चलें, वीडियो भी बहन भाइयों के साथ शेयर कर लें।
तो अम्मी जो है यहाँ पे बना रही है, अभी लस्सी सारी बना ली है। अच्छा और कहाँ है मक्खन? ये ये है पानी नहीं ना अभी, अभी ये गाड़ी है। हाँ, ये गाड़ी है। अच्छा अच्छा मक्खन वगैरह निकालो इसमें से। और अपना तंदूर जलाया हुआ है ये? हाँ। अच्छा अभी रख देनी हुआ, अगर आप पानी पड़िए ना। अच्छा ये जल जाएगी। अच्छा बाद में मक्खन निकालोगे। हाँ रोटी लगा दो। और मेहमानों के लिए चाय भी तैयार है ना? हाँ अभी दिया था हमने, हम नहीं पीना। नहीं रोटी के बाद चाय पियेंगे और पहले नाश्ता दो, फिर उसके बाद जो है फिर बाद में गरम करके दे। जी तंदूर जल रहा है। वाह जी वाह, सिस्टर आपने जलाया हुआ है जी। मेहमानों के साथ कह रहे थे होटल पे तंदूर बंद है अभी। अच्छा। अभी एक घंटा दे रहा है, मैंने कहा एक घंटा मेहमान इंतजार ना करते रहे, आज इसे जला देते हैं। सही किया, बहुत अच्छा किया आपने, यही तो अच्छी लगती है, यही तो आपके प्यार इखलाक है हमारे साथ। हाँ जी चलो अच्छा किया, क्योंकि मेहमान जो है वो आज जा रहे हैं, उन्होंने कहा सिर्फ मिल रहे, हम तो गए हुए थे शादी पर जी। कल भी आए थे वो। हाँ जी। वो फिर चले गए थे क्योंकि घर जो है वो बंद था जी। हाँ जी, तो मेहमानों को मैंने कहा कि अभी आप हमारे घर नाश्ता कर लो। हाँ। फिर जहाँ भी आप जाना आपकी मर्जी है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं हमें जल्दी है, हम घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं नाश्ता, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारी वो खिदमत करते हैं। हाँ जी, तो हमने कहा हमारे घर आज नाश्ता लाजमी करोगे, तो अभी आप तंदूर वगैरह जलाओ, अम्मी ने लस्सी वगैरह बना ली है। हाँ जी, तो तंदूर भी जलने वाला, जल्दी जला लो इसको, तो फिर रोटी वगैरह बनाओ। ठीक, आटा मैंने कहा गूंदा हुआ है। आटा गूंदा रखा है जी, सिर्फ तंदूर की देर है। अच्छा हाँ, आपके साथ छोटी सिस्टर भी है समिया सिस्टर। हाँ, वो आपके साथ रोटी वगैरह जो है वो लगवा लेगी। अम्मी जो है उधर मेहमानों के साथ भी बैठी हुई है, और उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत काम भी कर रही है। ठीक है। हाँ, तो मेहमान भी अकेले ना बैठे रहे ना। हाँ। तो इसलिए अम्मी ने कहा कि शहीना को वो वहाँ पे तनूर जलाया हुआ है, और समैया सिस्टर भी साथ है, आप रोटी बनाओ। ओए मेरी प्यारी बेटी इधर है, मेरी प्यारी बेटी, ओए पकड़ो 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 पकड़ो, मैं आ गया आ गया, पकड़ 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 पकड़, खड़ मंदा पे खेल रही हो है? अक्सा को मैं पकड़ता हूँ, इसने मेरी बाल्टी उठाई हुई है, पकड़ो अक्सा को, पकड़ो पकड़ो। क्या है अक्सा इस बाल्टी में? पानी है। पानी है? ओ ओए गिरा दिया है सारा। सोने सोने कुछो कुछो कुछो, पकड़ 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 पकड़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तंदूर जो है अच्छा खासा जल चुका है, ये देखें, और रोटियां जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। अम्मी जो है यहाँ पे रोटी बना रही है, और ऐशा और शहीना जो है यहाँ पेड़े बना रही हैं। माशाल्लाह मेहमानों, आज तीन तीन बंदे लगे हुए हैं, इतना सारे मेहमान देख लिए आज। मेहमानों की है, घर की है। अच्छा हाँ। सही। और मामी जो है यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिट हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे दिन गुजरे? माशाल्लाह हमारा दिन तो वीडियो की गुजरा बहुत अच्छे, एंजॉय की है हमने। मामू डेली जो है वो वीडियो भेजते थे, कहते थे कि हमने कहा वीडियो देखते रहे और खुश होते रहे उधर जाके। उधर भी एक दफा बारिश आई थी वैसे, तो आप एक दिन नहाया है, हम तो पूरे छह दिन बारिश में नहाते रहे। अच्छा हाँ, हम जो है ना जब सालन बनाते लगते तो बारिश आ जाती, रोटी बनाने के लिए तैयारी की तो फिर बारिश आ जाती। अच्छा। पूरा दिन वैसे बारिश चलती रहती चलती रहती, पूरे तीन चार दिन बारिश या प्लस फाड़ गिरात दिन। अच्छा हाँ, तो कल वाला दिन और परसों वाला दिन जो है ना बस एक घंटा बारिश आई है, तो आज जो है ना कल से मौसम माशाल्लाह अच्छा बन गया है। तो फिर मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा था ना, इंजॉय किया है, और मौसम ऐसा जो मर्री का मौसम था। नहीं करा। हाँ जी, फिर तो मजे खुल गए थे आपके। मजे खुल गए थे, हमने कहा ऐसे मौसम रहे जाए ना, गर्मियाँ थी ना, हम तो बारिश मांग रहे थे। उधर भी हाँ। एक दिन बारिश आई, लेकिन मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन माशाल्लाह शादी भी बहुत इंजॉय किया। लेकिन बहन भाई कह रहे थे कि आप जो है दूल्हे वालों के पास नहीं गए, लेकिन गए थे हम एक दिन, क्योंकि हम तो ज़्यादा जो है दुल्हन वाली साइड पे, क्योंकि वो हमारे ज़्यादा रिश्तेदार थे। हाँ जी, तो इसलिए उनका सामान वगैरह लेना देना सारा जो है करवाया है। आखिरी दिन भी हम दुल्हन की शॉपिंग करके ले आए थे, आखिरी दिन था। हाँ,
क्योंकि थोड़ा बहुत सामान जो है वो लेते लेते बहुत सारा टाइम लग गया था ना उधर। ये हमारा नाश्ता बन रहा है इधर, हमने कब पता करें। तनूर आपको पता है हम दूसरे घर में लगाया हुआ है। हाँ तनूर हमने यहाँ लगाया हुआ है, हमने कहा रोटी फिर साथ सब बनाते हैं। सही बात है, वो आप हैं तो साथ साथ हैं, कोई फर्क तो नहीं है। हम साथ साथ हैं, अकरम भाई अकरम से छोड़कर बाकी सारे यहाँ बनाने आते हैं। हाँ जी, हमने कहा अभी जो है ना भूख से जो है ना जल्दी करें उनको, अभी चल के उनको खुशखबरी देते हैं कि टेंशन और नाश्ता तैयार है। अभी थोड़ी सी अच्छा अफजल भाई क्या हाल है? अब से तो मिले, अम्मी से तो मिल ली। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अबू का सब कर ले। अच्छा मेहमानों के साथ बाद में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारिश मुक गए तो गए, बारिश बसना शुरू थी है, बल्ले में बारिश खत्म थी। आप तो डेली वीडियो भेजते थे, आपके कह दे के भी जल्दी आ जाओ। एंजॉय किया है जी, वहाँ पे गर्मी थी, हम था के हमने कहा बारिश में जाएं कुछ। हमने तकरीबन 3-4 दिन पंखे भी नहीं चलाए, बंद कर दिए थे ऐसे बैठे। वैसे रात ठंड काफी ज्यादा थी। आज चले हम जनाब कहाँ जा रहे हैं? लोगों को वहाँ से वहाँ उनको कहते हैं कि आप ठहरो, नाश्ता आ रहा है, खुशखबरी देते हैं। अच्छा अच्छा, खुशखबरी लग रहे हैं ना, इसीलिए वो कहता है कि रोटी बन गई है। देखने आए थे भी कितनी देर है। ऐसे ना बस 2 मिनट सिर्फ आप वेट करें। सबा सिस्टर भी आई हुई थी, वो कह रही थी मेहमान हमारे कांच में, क्योंकि रात वहाँ थे ना और हम भी सोए हुए थे क्योंकि कल सफर से आए ना, फिर लेट तक हम सोए रहे। आदत बनी है वो सुबह सुबह। हाँ हमारी भी यही आदत है, 6 बजे उठ जाते हैं, तो कल सफर से आए ना तो सब सो गए थे। हाँ तो इसलिए। हाँ ऐशा आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी आज चलें बर्तन वगैरह निकालने हैं ना। अच्छा सामान वगैरह निकाले हम। हाँ न्यू कटोरिया। अच्छा न्यू कटोरिया और नौ छबिया। न्यू छबिया, नौ कटोरिया तो नौ छबिया, ये गाल है। नौ गिलास। नौ गिलास। आ जाओ फिर। मेहमान सारे हैं, पांच बस वो पूरे हो जाए। पांच वो हैं, 6-7 हम हैं, 8 हम हैं। अभी हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है ना। हाँ जिसने भी आई हुई है। हाँ आप भी हो सब घर में जी। अल्लाह पाक ऐसे रौनक लगी रहे। आ जाए आप जी रोटी बना के फिर आ जाए हैं। आप फिर इधर बैठ ना जाना खाने। नहीं, 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 रोटी इधर बैठते हैं। अच्छा चलो जी हम चलते हैं फिर। मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन गया है और घर में जो है रौनक भी माशाल्लाह काफी सारी लगी हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे शादी पर रौनक लगी हुई। हाँ, थी ना यहाँ पे भी पक रहा है। क्या हो रहा है? मल्ला हो रहा है, दाना हो रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें दर्द है और ये सूज रहा है। अच्छा अच्छा, आपको पता चल गया था रोटी इधर बन रही है? आप आ रही थी रोटी थी। आप देखने आ गए हैं? तंदूरी रोटी। अच्छा तो हमने सोचा जाकर देखते हैं कैसे बनाते हैं तंदूरी। वैसे हम तो बनाते हैं, देखते हैं इधर। इधर हमने तंदूर लगाया हुआ है। अच्छा नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है आपने, सीरियसली देसी नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है। हम भी ऐसे रोटियां बन गई है, बन गई है बस, एक दो रोटियां रहती थी तो अभी हम चल रहे थे, हमने कहा सामान सामान रेडी करें। आप सामान रेडी करें, हम आ रहे हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, देसी नाश्ता है। आप होकर आ जाए मामू अफजल के घर से ना। जी जी हाँ जी। ओ माशाल्लाह प्यारे बेबी आ गए हैं दोनों, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? और बेबो कैसे हो? तबीयत ठीक है आपकी? कहाँ जा रहे हो? नानी के घर जा रहे हो नाश्ता करने? अच्छा जी। हाँ यासीन भाई देखने आया था, मैंने कहा नाश्ता बन गया, मेहमानों को भूख लगी है। सारे देखने आ रहे हो एक एक करके, मेहमानों को भूख लगी हुई है। नहीं नहीं बन गया है माशाल्लाह नाश्ता, हम चल रहे हैं सामान वगैरह रेडी करते हैं जब तक। तो अम्मी और
आपकी वाइफ शहीना वो जो है रोटी लगा कर आ रही है, बना लिया वो आ रहे हैं। पेड़ रखा था मैंने कहा आप ये लगाओ, हम सामान वगैरह रेडी कर लें क्योंकि लेट हो रही है, मेहमान कहते हैं हम जो है 1 बजे घर वापस जाना है। अच्छा, तो मैंने कहा वैसे जाने तो नहीं देते आपको, हाँ। नाश्ता वगैरह करवा दे, भूख ना ज्यादा हो जाए, ब्लड लो हो जाता है फिर भूख की वजह से, मुझे पता है ना मुझे भूख लगती है तो ऐसे हो जाता है। फिर मेहमानों को खिला के फिर हम भी नाश्ता करेंगे साथ साथ। हाँ जी बिल्कुल, मेरी बेटी आ गई है। कौन? अक्सा आ गई है, वो भैया इधर खेल रही है सबैया के साथ, और बाहर जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ जी, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है आपके यहाँ, ये साथ साथ जो दरख्त है ना ये देख बहुत बहुत प्यारे हैं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है इधर। अच्छा। छांव में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, और शीजा जो है ना इधर बाहर चुप हो जाती है, और जब हम अंदर जाते हैं तो फिर ये रोने लग जाती है। यहाँ माहौल अच्छा है ना, यहाँ पे दरख्त वगैरह है, हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुँच चुके हैं, और इधर जो है ऐसा अपनी प्यारी प्यारी डिनर सेट वाली जो है प्लेटें वॉश कर रही हैं। कहाँ पे वहाँ सही है, हवा ठंडी चल रही है, अंदर इससे ज़्यादा गर्मी होगी। और हमने जो है छोले मंगाए हैं, ये देखें छोले का जो है बंडल यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे प्याज रायता भी रखा हुआ है माशाल्लाह। अम्मी ने लस्सी भी बना ली है, रोटी भी बना ली है, बस सामान वगैरह रेडी करें और खाना जो है लगाना जो है वो शुरू कर दें। कैसे है ऐशा? आप कौन सी टेबल बनवाया हुआ है उस पे खाना रेडी करें? यार टेबल नहीं है हमारी, चार पाइयाँ ठीक है टेबल से ना। हाँ मैंने कहा दस्तरखान खाना लगाना है। नहीं नहीं, चार पाई पे बैठेंगे सुकून से खाना खाएंगे, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है ना चार पाई पे बैठने और नाश्ता करने में। और आपको दिखाऊं अम्मी मेरी जो है मक्खन निकाल रही है यहाँ से, चेक करवा मक्खन चेक करें, पीला पीला ये मज का है मुझे लगता है, पीला या गाय का है? गाय का पीला होता है। हाँ रोटियां मख लो। हाँ इसके साथ जो है रोटियां मखते हैं, और देखना रोटियां फिर कैसी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर जो है अम्मी जान रोटियां जो है वो मक्खन के साथ जो है बना रही है, चेक करें माशाल्लाह। वाह ये मक्खन रखा हुआ है, देखें ज़बरदस्त, इसकी जो इतना खुशबू कैसी आती है फिर ये भी बने। हाँ जी कहाँ पे? हाँ चटाई अच्छा फिर ऐसे कर लेते हैं। अभी वो रोटी की मखाई वगैरह हो रही है, छोले वगैरह डाल रहे हैं, लस्सी बन रही है, बर्तन धुल रहे हैं, सारा जो है सिस्टम बन रहा है अभी खाने वगैरह का नाश्ते का। एक दफ़ा वैरायटी हो जाए फिर चटाई बिछा के फिर रखते जाएंगे। कैसे अम्मी ऐसे कर लेना? हाँ ऐशा छोले डाल रही हो? हाँ। ओ सालन भी रखा हुआ था ना, ओ गरम कर लो। हाँ वो सालन भी गरम कर लो ना पहले। हाँ तो बस सालन का सालन। अच्छा मैंने कहा कहाँ से आए हैं? अच्छा क्या नहीं चल रहा कल? वो मामू जान कह रहे हैं पक्का कल नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है। असल में बारिश में सारा निज़ाम जो है वो आउट हो गया है, कहीं से पानी से करंट आ रहा है, कभी कहीं से करंट आ रहा है, कभी जो है पंखे नहीं चल रहे, बैरिंग खराब हो गई है मुझे सारी पानी। अभी मोटर हम चलाते हैं ना उधर से भी पानी में करंट आता है, मोटर वहाँ चल रही है अभी पानी में करंट आता है, अभी मोटर नहीं चल रही इधर से करंट नहीं आ रहा, अगर मोटर चलाएं तो इधर से करंट आता है, पता नहीं ये क्या वजह बन गई है। अच्छा चले माशाल्लाह ऐसे छोले जो है वो डाल दिए फ्रिज में, कढ़ाई बोल रहा हूँ फ्रिज में जो है वो सालन रखा हुआ है, वो फिर गैस रखा हुआ है इसमें वो कर लो ना गरम कर लो उसको सही। खाया था पेट में अभी जो खाएगा वो यार जो हम तो खाएंगे ना, तो छोले भी हैं आप छोले खा लेना बस, आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप वो खाना ठीक है। हाँ जी तो अगर आपने खा ली लस्सी से खानी है, लस्सी भी है, हाँ। छोले भी हैं, मक्खन भी है, कम है रोटी मेहमानों को दे लो, हम बाद में पका के खा लेंगे।
ठीक है। आग जली हुई है, तंदूर थोड़ी लकड़ियाँ और डाल लो, फिर आटा गोल के दोबारा बना लो, अब बाद में खा लेंगे। ऐसे है ना ऐशा? हाँ, पहले मेहमानों को। हाँ जी, ये वाला नहीं चल रहा था कल, अम्मी कह रही थी। चलो ये अच्छा किया है, चटाई बिछा दिए सारे, इधर सुकून से फिर बैठ जाएंगे, खाना लगा दो, दस्तर खाना लगा दो, जो लग जाए उनको बुला दो, सब बैठ जाएंगे। सही है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ चटाई बिछी गई है बस, उधर से चटाई। हाँ सही है, अभी हाँ निज़ाम सही हो गया, अभी चलो अच्छा हो गया निज़ाम, चारपाई से ये निज़ाम ठीक है ना, खाना वैसे अच्छा है ना। कैसे है रखो, रहते रखो, सलाद रखो, लस्सी रखो, साग रखो, रोटी रखो, जल्दी जल्दी रखो, लेकर आते हैं। हाँ ऐसे करते हैं अभी, से बैठ हाँ, ये नहीं चल रहा था, मुझे लगता है वायरिंग जो है सारी खराब हो गई, बिजली वॉशरूम की वजह से सारी वायरिंग उधर लीक है ना, पानी हाँ। लगा है सारी शॉर्टिंग बनी हुई है, अब धूप लग रही है, साफ चीज पानी से रात मैंने मोटर चलाई, अर्थ है, अर्थ करंट नहीं है, ये अर्थ आता है। अच्छा हाँ ऐसा लेके आ रही है सारी सामान, हाँ इधर रखो, फिर मेहमानों को बुला लेंगे। हाँ जी, वाह जी वाह, चेक करें लस्सी का बाल्टी, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, इतनी बड़ी जल्द में हम दूध वगैरह चोते थे पहले गांव में, अभी अम्मी ने जो है सारी लस्सी बना ली, चेक करें मक्खन भी ऊपर से तर रहा है, वाह जी। मैं नमक चेक किया है, अच्छा रोटी, हाँ ये अम्मी को दो, हाँ ये उठा के आते हैं हम। ऐशा ये ठंडा काम है, मैं बताऊँ, एक दो बर्फ कटोरे आपकी अम्मी के घर रखे हुए हैं, अपने रखे हुए हैं, अपने रखे हुए तो फिर डालो इसमें, ये कम है ठंडी, रखे हुए तो फिर तो सही है, फिर राख डाल दो। हम अभी बर्फ बना रहे हैं, हफ्ता हो गया है। हाँ सही है, हाँ। बोतलों से काम नहीं चल रहा था क्योंकि बर्फ सही है, पानी बोतलों का भार भार के जो है ना हम थक गए थे सारे। हाँ अभी जो ना सब क्या होता है, कूलर बाल्टा और पतीले भर के रख देते हैं, कुछ भी करना हो तो अभी ये है, अभी ये कूलर है, इसमें बर्फ डाल देते हैं, पानी भी भर देते हैं तो सारे पीत रहते हैं, क्योंकि बोतल में हर दफा धोना बड़ी टेंशन होती है। अच्छा हाँ, इस इधर से पानी जो है वो कर लो, फिर जो है ये फुल जमी हुई है ना, हाँ वो तो ज्यादा ठंडी थी ना, उखड़ गई है, हाँ वैसा ही है, इसका पानी निकाल दो, अभी जो है लस्सी में डाल दो, हाँ ये इतनी ढेर है, और भी डालो, चेक कर लो ना ठंडी, बट ठीक है, अच्छा ठीक है इतना ठंडी, हाँ उठा आप, उठा दो इसको, हाँ इसको उठा रख के मैं जो लस्सी लेके चलता हूँ। इसलिए तो हमने लस्सी पहले बनवा ली है, हमने कहा लस्सी पहले बनाओ, बाद में बाकी काम। सही है, सही बात है, और ये ये लस्सी चाय नहीं पीते ना, इसलिए बिल्कुल भी नहीं पीते, हम पीते हैं लस्सी, हाँ जी दूध और लस्सी। अच्छा आपकी फेवरेट लस्सी है आज, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा किया आपने, हाँ जी। जब जाते उधर हमें पता है ना, जब जाते इसकी मट्टी कहना उधर रही होती है, मट्टी जो है फेर रही होती है, फेर रही होती है, वो जो है ना लस्सी बना रही होती है। बैठे चाय मांगते हो ना, आपका भाई ऐसे लस्सी मांगता है, इतना आप तो मांगी भी नहीं है, माशाल्लाह नाश्ता जो है वो ला किया है। आ जाओ मामू बैठे नाश्ता करें, हमने किया हुआ है, तो थोड़ा कलर कुछ जाते हैं फिर जाते हैं। नाश्ता किया हुआ है, अभी बनना नहीं है तो कैसे किया हुआ है,
अभी तंदूर तो हमने जलाया है, सो रहे थे उस टाइम, हमने नाश्ता बना के कर लिया। भाई लोग ने आपको उठाया था ना, उस टाइम हमारा नाश्ता चल रहा था। तंदूर जलाया था सुबह? चाय का नाश्ता किया है। अच्छा अच्छा, बैठे अल्ताफ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ ना, नाश्ता होने लगता है। बिल्कुल, जल्दी करो ऐशा, क्या कर रहे हो ऐसा ऐसा? अल्ताफ भाई को आपको पता है भूख लगी हुई है। कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जो है नाश्ता कर लिया है और सलीना यासिन जो है आ गए, अभी जो है नाश्ता कर रहे हैं। छोले तो है नहीं, खा गए सारे, हम ही उनको जो है सालन वगैरह दें। लस्सी भी पियो ना साथ साथ। बुशरा लस्सी पीनी है, रोटी खा रही हो? अच्छा, क्योंकि लस्सी हमें मिल जाए, प्याल मिल जाए, इससे बढ़कर वो क्या कहते हैं, मटन भी नहीं है हमारे लिए। अभी आप पता है हमारा दिल उदास हो रहा है। नहीं नहीं, अभी अभी हम इधर ही हैं। अच्छा, अगली बार इंशाल्लाह ताला जब आएंगे ना, हाँ, तो फिर जो है ना वो जैसे कहते हैं पहले आ कर लाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी मजबूरी है, हम जो जाना है। अच्छा, नाश्ता कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी नाश्ता था। हमने आपकी रूटीन का नाश्ता बनाया, इसलिए अच्छा किया, सीरियसली बहुत अच्छा किया। हमें पता था कि ठंडा नाश्ता था, बिल्कुल लेगा। हां माशाल्लाह, अच्छा किया। हाँ, ठर गया लस्सी पी के, क्योंकि मैं लस्सी को याद कर रहा था। अगर हम आज लस्सी ना पीते ना तो काले हो जाते। अच्छा, आपने भी अभी कहाँ जाने की तैयारी है? अब जा रहे हैं भाई, मुखलिस के घर भी जाना है, असलम भाई के घर भी जाना है, काफी जगह पे जाना। बस थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, मिलते हैं सबको, और उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह नाराज भी ना हो। चलो जब जाना फिर मिल के जाना हमें। तो आप रास्ते में बैठते हो? हाँ, इसलिए हम इधर आके बैठे हैं, क्योंकि अगर हम इधर उधर साइड पे होते ना फिर हम नहीं मिलते आप लोगों को, फिर पता चलता कि आए हुए हैं। नहीं, इस बार आपको ढूंढते हैं। अच्छा, भाभी से मिल कर जाते और आप सब अभी तो साथ में अभी नहीं आते तो फिर हम गुस्सा कर देते। आज तो सब से मिलना था स्पेशली, जब हम उठे नमाज अदा की उसके बाद जो है ना हमने कहा कि सबसे पहले जो है ना शायद भाई के घर चलते हैं। तो अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। हम तो उधर थे शादी पर, और जैसे कॉल आई मैंने कहा बस बैठो, उस टाइम गाड़ी सामान रखते सांप को उठा के लेकर आ गए। जब वो कह रही है आपकी, हम देख रहे थे कैमरे में। अच्छा, चलो आ जाए, ठीक है। माशाल्लाह, मेहमान को जो है आगे जा रहे हैं। हनीफ भाई को यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, माहौल अच्छा बना हुआ है यहाँ पे बाहर। बाहर यार इधर सुकून है, ज्यादा हवा चलती है ना तो बड़ा मजा आता है हकीकत। अच्छा, तो दरख्त की जो साया है उसकी तो वैसे छांव ठंडी होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ जो मसनूई पंखे हैं या वो उससे कुदरती हवा और दरख्त की छांव। नाश्ता वगैरह कर लिया पेट भर के? शुक्रिया, जजाक अल्लाह। अभी एक दुख है हमें, हमारी दावत खाते, ये पता क्या हकीकत है, हम दावत खा के जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये दावत थोड़ी, ये तो नाश्ता है। नहीं नाश्ता नहीं, ये दावत थी समझ ले। हकीकत खाना समझे, नाश्ता समझे, जो जा समझे तो कर दे। हाँ जी, ये कमल बाजी। हाँ कमल बाजी, रात हो गया आपके घर पे है, आपने चक्कर लगा लिए। हाँ बिल्कुल, नाचबा हो गया है आपके घर में। हाँ, कमल बाजी ने आपके घर में नाचबा कर लिया है। अच्छा, सब ने कर लिया है, हमारे घर पे हम सब ने कर लिया। कितनी बार आ चुके हैं? हाँ जी, पहले पहली दफा आया हमारे घर। इधर आप अभी आए हैं ना? हाँ, पहले तो और जगह पे थे। हाँ तो चलो अभी चक्कर लगता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जरूर आना, क्योंकि हम और कहीं जगह पर भी नहीं जाते। अच्छा,
अक्सर जो है ना यहीं पे आना जाना लगा रहता है हमारा। हमारे साथ भाई बंदी है, प्यार इखलाक है। अच्छा इस दुनिया में यही मोहब्बतें तो हैं, इखलाक और मोहब्बत अच्छी है तो बस यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्यार होता रेड़ उधर ही होती है। अच्छा इधर रेड़ है, हम ऊपर वाले हैं ना, लंबे वाले हैं क्योंकि इस तरह रास्ता। अच्छा हम ऊंचाई पे बैठे हैं, इधर जो है ना फिर रास्ता नीचे होता है, इसलिए हम इधर से रिड़ते आते हैं। चले माशाल्लाह उधर ऊंचाई है ना, इसलिए कम आते हैं उधर। बिल्कुल बिल्कुल ऊंचाई जो है। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह। चले वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है, इस वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।